मित्रों, चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अब इस कोशिश में अमेरिका भी अपने साथ आ रहा है। जी हाँ, इसरो अब विक्रम को ढूंढने के लिए नासा की मदद लेने पर विचार कर रहा है। नासा का एक मिशन लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर यानी LRO चंद्रयान 2 के मुकाबले चांद के काफी करीब चक्कर लगा रहा है, जिससे हमें बेहतर डाटा मिल सकता है। इतना ही नहीं, नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने चांद की 3D स्पेशल तस्वीर ले भी ली है और नासा के इस डाटा का इस्तेमाल कर विक्रम की ताजा पोजिशन का पता लगाना चाहती है। गौरतलब है कि दोस्तों, इससे पहले भी अमेरिका के ऑर्बिटर LRO का डाटा इसरो यूज कर चुकी है। अमेरिका पहले भी सहयोग के लिए कह चुका है, यानी अब दोनों देश मिलकर चांद पर विक्रम को ढूंढेंगे, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, लेकिन इनमें से कई दिन अभी अब खत्म हो चुके हैं और इसके बाद जो रात आएगी तब ऑपरेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए दोनों देशों की एजेंसी साथ मिलकर विक्रम को फिर से एक्टिव करने की कोशिश करेगी और संभव है कि ये प्रयास जल्द ही सफल होंगे। लैंडर विक्रम के नीचे 5 थ्रस्टर्स यानी पैर लगे हैं, जिनके जरिए की सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी और इसके चारों तरफ थ्रस्टर लगे हैं। इन्हें स्पेस में यात्रा के दौरान दिशा निर्धारित करने के लिए ऑन किया जाता है और लैंडर का जो हिस्सा झुका हुआ है उसी हिस्से में ये थ्रस्टर्स भी हैं। अगर ऑर्बिटर के जरिए इन दबे हुए हिस्से के एंटीना को एक्टिव किया गया तो विक्रम एक बार फिर खड़ा हो जाएगा और इसरो का मिशन चंद्र पूरा हो जाएगा, जो अभी ठंडा पड़ा है। हालांकि विक्रम पर अभी सूरज की किरणें ठीक तरह से नहीं पड़ी हैं और वैज्ञानिक अभी सूरज की ठीक किरणें पड़ने का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब सूरज ठीक किरण इस पर पड़ेगी तो रोशनी में इसको साफ तरीके से देखा जा सकता है और ये भी पता लगाया जा सकता है कि उसकी स्थिति क्या है, जिसमें अगले 2-3 दिन महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन अब नासा और इसरो के एक साथ आने के बाद उम्मीद काफी बढ़ गई है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।